Hi guys, welcome back to my channel and today I'm going to tell you about this cream. Iska naam hai sebonac gel. Ye aapko Amazon pe 200 rupees ke price par mil jayegi, 198 ya 199 approx 200 jo price hai usme mil jayegi. Please guys, before watching this video, please like, share and subscribe my channel. So guys, सबसे पहले मैं आपको इसका यूज़ बताती हूँ, ठीक है? इसको किस किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं. अगर आपकी स्किन डल है तो उसके लिए हम इसको यूज़ करेंगे, ठीक है? आपकी स्किन को ये ब्राइटन अप कर देगी. अगर आपकी स्किन में हाइपरपिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है या आपकी स्किन में डार्क स्पॉट का इशू है, एक्ने स्कार्स का इशू है, तो इस चीज़ के लिए क्रीम बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, ठीक है गाइस? अब ये तो होगा इसको हम किस चीज़ के लिए यूज़ करेंगे, ठीक है? एक्ने स्कार, डार्क स्पॉट एंड सच रिलेटेड प्रॉब्लम, ठीक. अब यूज़ कैसे करना है? जब भी आप इसको फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, अगर आप इस क्रीम को यूज़ करने के लिए, तो आपको क्या करना है? सबसे पहला पी साइज अमाउंट लेना है इस क्रीम का, एक मटर के दाने जितना इस क्रीम का अमाउंट लेना है, और उसमें एलोवेरा जेल को मिक्स कर देना है, ठीक है? और उसको अपने इस एरिया में पूरा लगा लेना है, नोज़ और ये लिप्स के ऊपर वाला, आई के नीचे वाला, ऊपर वाला एरिया में नहीं, यहाँ नहीं लगाना है, यहाँ नहीं लगाना है, यहाँ नहीं लगाना है, इस एरिया में नहीं लगाना है. तो ये आपको फोरहेड एंड चीक्स पे या फिर चिन पे लगाना है, ठीक है गाइस? फिर क्या करना है आपको? पहली बात तो इसको हम रोज़ यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है? ऑल्टरनेट डेज यूज़ करेंगे, ये हो गया. फिर जैसे जैसे आपकी स्किन को इस क्रीम की आदत होने लग जाएगी, तो आपको इसको रोज़ यूज़ करना स्टार्ट कर देना है, बट विथ एलोवेरा जेल. फिर जब और आदत होने लग जाएगी तो आप इसको डायरेक्टली भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अमाउंट आपको पी साइज ही लेना है. ज़्यादा यूज़ करना, ऐसा नहीं होता कि अगर हम किसी चीज़ को ज़्यादा ले लेंगे तो हमारी जो प्रॉब्लम है या जो भी हमें इश्यूज़ हैं वो जल्दी ठीक होने लग जाएंगे, नहीं, ठीक है? आपको अमाउंट इसकी कम ही लेनी है, ठीक है? अफोर्डेबल है, और मतलब मेरी माने तो इस प्रोडक्ट को ज़रूर एक बार ट्राई करके देखिए, मुझे तो बहुत पसंद आया. ये अब तक मेरी दूसरी ट्यूब है, इससे पहले भी मैंने इस क्रीम को ट्राई कर रखा है. शादी से पहले मैंने ट्राई करा था तो मेरा रंग एकदम निखर गया था इस ट्यूब को यूज़ करके, और मेरे जो एक्ने मार्क थे वो भी कम होने लग गए थे, ठीक है गाइस? तो फिर अब ये तो हो गए आपके इसको यूज़ कैसे करना है, ठीक है? इसका जो इफ़ेक्ट, जो इनिशियली आपको थोड़ा बहुत जो आपको दिखेगा हार्मफुल इफ़ेक्ट, वो ये दिखेगा कि आपकी जो स्किन है वो बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाएगी और इसमें अलग अलग मतलब ड्राई स्किन्स निकलने लग जाएगी. तो उसके लिए आपको क्या करना है? अपनी स्किन को टाइम टू टाइम मॉइस्चराइज करते रहना है, ठीक है? और अच्छी क्वालिटी का मॉइस्चराइज़र यूज़ करना है, ठीक है? तो इस ट्यूब के बारे में गाइस इतना ही. प्लीज़ मेरे जो चैनल है उसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बाय बाय, टेक केयर.